हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों हमारा सेट का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं उसको बच्चों। उसमें मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए थे बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कल मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, लेट इसको हम ए लेट कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर ए लेट किया तो ए हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12। तो आपको देखिए क्वेश्चन देखने से पता लग रहा है ये 3, 6, 9, 12 क्या है, एक 3 का टेबल है बच्चों। मीन्स ये 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। क्या है ये 3 के मल्टीपल हैं। तो 3 के मल्टीपल हैं तो आप उनको अगर, ये तो फॉर्म कौन सी है हमारी, रोस्टर फॉर्म है। क्योंकि जो कोमा से और इस ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाए वो कौन सी फॉर्म होती है हमारी, रोस्टर फॉर्म होती है। तो अभी हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3। सीधा लिख दो एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्योंकि ये देखियो नेचुरल नंबर हो ना, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 1, 2, 3, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं। तो x x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड जो x होगा वो लेस देन क्या होगा आपका, 15 होगा। क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा वो 3 का मल्टीपल वो क्या आएगा आपका, 15 आएगा, और ये 15 से क्या होगा आपका, लेस होगा। तो ध्यान रखना x x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का क्या होगा आपका बच्चों, मल्टीपल होगा। तो ये आपका कौन सी फॉर्म हो गई, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक फॉर्म और बता देता हूँ बच्चों, इसी को अगर आपने ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स एक्स इज इक्वल टू 3n, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक्स एक्स इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एंड n है वो लेस देन होगा किससे बच्चों, 5 से। 5 से क्या होगा, लेस, क्योंकि 4 तक वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो 1 अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करा तो 1 पुट कर सकते हो तो 3 आ जाएगा, 2 पुट कर दो 6 आ जाएगा, 3 पुट कर दो 9 आ जाएगा, 4 पुट कर दो 12 आ जाएगा, लेकिन 5 पुट नहीं कर सकते। तो लेस देन 5 वैल्यू पुट करनी है, और किससे बिलोंग करेगा एन आपका, नेचुरल नंबर से। इस टाइप से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड। सेकंड में क्या है आपके पास, लेट बी लेट कर लेते हैं इसको। बी आपके पास क्या हो गया है, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें क्या रिलेशन दिख रही है आपको, देखिए 2 का डबल किया तो 4, 4 का डबल किया तो 8, 8 का डबल किया 16, 16 का डबल किया तो बच्चों कितना आ गया आपके पास, 32। तो डबल कैसे होते हैं ये, अगर इसकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाओगे, x x इज इक्वल टू 2 raised to power n, n 1 पुट कर दो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, 3 पुट कर दिया तो 8 हो जाएगा, 4 पुट कर दिया तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 पुट कर दिया तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ जो n है वो भी किससे बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और जो n की वैल्यू है यहाँ भी आपको क्या लेनी है बच्चों, कहाँ तक लेनी है आपको, यहाँ भी 5 तक लेनी है, और 5 के इक्वल तक भी लेनी है, लेस देन नहीं, 5 या 5 से इक्वल तक आपने क्या लेनी है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू लेनी है नेचुरल नंबर की। तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी टाइप से बच्चों आपका जो इसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इसको आप खुद ट्राई करो भी कि आप किस तरह से इनके सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको बोला गया है कि ए आपके पास क्या है, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है ये बोला गया ए है, ए क्या है, एक्स एक्स इज एन, एक्स इज ए ओड, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स क्या आपके पास, एक ओड नेचुरल नंबर है, एक्स एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है बच्चों। इसकी क्या फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म बनानी है अपने को, रोस्टर फॉर्म में बनाना है इसको। तो रोस्टर फॉर्म इसकी लिखोगे तो ओड नेचुरल नंबर आपको पता ही है, ओड नेचुरल नंबर में आपका 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है। देखो इसका लास्ट पॉइंट कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट बोला है ओड नेचुरल नंबर, तो ये कहीं तक भी हो सकते हैं, तो आप डैश 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 लिख दो। तो ये आपके कौन सी हो जाएंगे बच्चों, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सी दे रखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी आपके पास है एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है आपके पास, एक इंटीजर है, और इंटीजर और एक्स की वैल्यू जो लाई करती है वो -1/2 से ग्रेटर लाई करती है, और 9/2 से क्या करती है बच्चों, लेस लाई करती है। -1/2 मीन्स
0.5 और 9/2 माइनस 4.5, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इससे ऊपर लेनी है वैल्यू और इससे लेस लेनी है, लेकिन लेना क्या है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बच्चों, एक विदाउट रैशनल नंबर होता है, विदाउट रैशनल होता है इंटीजर हमेशा, और एक होल नंबर होता है जो विदाउट रैशनल नंबर हो। तो देखिए विदाउट रैशनल लेना है आपको इंटीजर को, तो विदाउट रैशनल इससे ग्रेटर क्या होगा आपका माइनस 1/2 से ग्रेटर होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4 से ग्रेटर नहीं लेना है क्योंकि 9/2 तो 4.5 होगा, पॉइंट्स में नहीं लेना, विदाउट रैशनल लेना है। इट मींस आपके पास ये आ जाएंगे सारे के सारे इंटीजर इसके बीच में। और इसी तरह से आपके पास थर्ड है, थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको दे रखा है सी। सी क्या है, एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ भी एक्स क्या है आपके पास इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर लेस देन क्या दे रखा है आपको, लेस देन इक्वल टू 4 गिवन है। लेस देन इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 4। एक्स स्क्वायर जो आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 है, तो वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि एक्स की वैल्यू माइनस 2 से क्या है ग्रेटर है इक्वल है, और 2 से क्या है लेस है या इक्वल है। तो आपके पास ध्यान रखना है ये किसको इम्प्लाइज रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कि एक्स की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल या ग्रेटर है, और 2 से लेस या उसके इक्वल है। तो सी में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, इंटीजर लेना है तो माइनस 2 भी आ जाएगा, माइनस 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे बच्चों किसके अंदर, सी के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से इसका जो थर्ड, इसके जो नेक्स्ट बचे हुए पार्ट हैं इनको आप खुद ट्राई करें बच्चों। उसके बाद आता है सिक्स्थ में, सिक्स्थ में आपको क्या करना है मैच करने हैं इनको, क्या करने हैं बच्चों सिक्स्थ के अंदर मैच करने हैं। और मैच इनको कैसे करोगे, मैच भी कैसे करने हैं इनको, कि आपके पास ये दे रखे हैं मैच द सेट द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, और हमें जो राइट में, जो राइट में दे रखे हैं वो कौन सी दे रखे हैं बच्चों, लेफ्ट तो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और राइट में कौन सी दे रखी है अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो इनको क्या करके दिखाना है अपने को, मैच करके दिखाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बुक से ही इसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए 1 2 3 6 आपको दे रखा है 1 2 3 6, ये किससे मैच करेगा बच्चों, ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 6 क्या है, ये अपने को क्या बताना है कि ये किससे मैच करेगा। तो आप बताइए 1 किससे मैच करेगा, पहला देखिए x, x इज ए प्राइम नंबर, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो पहला तो मैच खत्म हो गया। x इज ए ओड नेचुरल नंबर, इसमें देखिए ओड बोला है, ओड बोला है, लेकिन 2 तो इवन है, तो ये सेकंड भी नहीं आएगा। थर्ड बोलिए x, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर बोला, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, डिवाइजर है 6 के, 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है, तो फर्स्ट किससे मैच हो जाएगा बच्चों आपका c से मैच हो जाएगा। फिर 2 एंड 3 बोला है, 2 एंड 3 आपके जो किससे मैच हो जाएंगे, देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये इससे, ये डिवाइजर भी है किसके 6 के, तो सेकंड आपका किससे मैच हो जाएगा बच्चों, ए से मैच हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट पता ही लग रहा है, ये मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। तो ये थर्ड आपका डी से मैच हो गया। और 1 3 5 7 9 देखिए ओड वाला रह गया, ये रहा ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सारे देखिए ओड है, 1 3 5 7 9 ओड है, और लेस देन क्या है हमारे 10 भी हैं, तो इसका मतलब ये फोर्थ है वो किससे आपका मैच हो जाएगा, बी से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये जो मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट, इसी सेट का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आज हमने जो पढ़ना है उसको ध्यान से देखेंगे। उसमें आपके पास एम्प्टी सेट के बारे में बोला गया है कि आपके पास, तो मैं इनके कुछ डेफिनेशंस आपको फिर आगे नोट करवा देता हूँ। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट आ गए हैं अब हमारा, अब जो नेक्स्ट पार्ट आने स्टार्ट हो गए हैं वो किस में आ गए हैं बच्चों आपके, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप आ गए। सबसे पहला टाइप्स बच्चों इसके, बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर जो हमारे पास क्या है बच्चों, बेसिकली 3 टाइप्स, बेसिकली कितने होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के सेट होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट, फर्स्ट क्या है हमारा एम्प्टी सेट, तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, एक सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्प्टी बोलेंगे। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, और इसको हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी और नल, और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, और वॉइड सेट, ध्यान रखना तीनों सेम ही है, एम्प्टी आ जाए, नल आ जाए, वॉइड सेट आ जाए, इनको सेट बोलेंगे। इफ कब, कब बोलेंगे इनको, इफ इट, इफ इट हैज
नो एलिमेंट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए। तो मैंने पहले ही बोल दिया था बच्चों, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको फाइव से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं इसको, फाइव से, या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट लिख दो, एम्प्टी ब्रैकेट लिख दो डायरेक्ट, इससे भी डिनोट कर देते हैं और इसको फाइव से भी डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रखना ये किसका, किसकी डेफिनेशन हो गई है बच्चों, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हो गई है। ओके, उसके बाद ये अगर किसी भी सेट के अंदर कोई एक भी एलिमेंट आ जाए तो उस सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो कुछ नोट्स, नोट के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है बच्चों, ए सेट कंटेनिंग, ए सेट कंटेनिंग, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज नॉन एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे इसको, नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे उसको हमें, नॉन वॉइड सेट। तो इसको हम नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और नॉन वॉइड सेट भी कहेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए जिस सेट के अंदर, वन एलिमेंट ओनली जिसमें एक ही सेट आता हो, इस सेट को बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एज ए सिंगलटन सेट। इसको कौन सा सेट बोलेंगे बच्चों हमें, एज ए सिंगलटन सेट। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर ओनली और ओनली क्या आए, एक एलिमेंट आए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टाइप था इसका एम्प्टी सेट का। अब इसका जो सेकेंड टाइप है वो है फाइनाइट, क्या बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन से होते हैं बच्चों, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट हैज आइदर ए वॉइड, इफ इट हैज आइदर ए वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। ऐसे सेट को जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसके अंदर ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर, इफ इट इज आइदर ए वॉइड सेट, आइदर इज ए वॉइड सेट। वॉइड सेट में या तो एम्प्टी होना चाहिए, वो फाइनाइट होता है क्योंकि उसके हमें पता है अभी कोई एलिमेंट ही नहीं है, वॉइड सेट है, और या फिर इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, जिनको हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, लिस्ट कर सकते हैं लिस्टेड, या जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, काउंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, या उनको हम काउंटेड काउंट कर सकते हैं, या जिनको हम लेबल्ड कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड और लिख दिया मैंने लेबल्ड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लिस्टेड काउंटेड लेबल्ड, ठीक है, बाय नेचुरल नंबर्स, बाय जिनको हम काउंट कर सकते हैं, किनके द्वारा काउंट करेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर के द्वारा, बाय नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो हम ऐसे ही काउंट करते हैं ना, वन, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, ऐसे काउंट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर, सारे नेचुरल नंबर से होते हैं। तो जिनको हम नेचुरल नंबर से ही क्या कर सकते हैं बच्चों, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, वन टू थ्री डैश डैश, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इसको फाइनाइट सेट, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जिनको काउंट नहीं कर सकते, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, अदरवाइज इट इज कॉल्ड, अदरवाइज नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो वो सेट कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको लेबल नहीं कर सकते, इनको लिस्ट नहीं कर सकते, वो कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। अब अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ, मान लीजिए किसी सेट के अंदर, इफ द नंबर ऑफ नंबर एन इन द एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, मान लीजिए किसी सेट के अंदर क्या है,
एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसी सेट के अंदर क्या है एन नंबर ऑफ, सॉरी ए सेट कंटेन एन नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर क्या आ रहे हैं बच्चों एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन अगर कोई फाइनाइट सेट है तो किससे डिनोट होगा बच्चों, देन इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए, उसको हम किसी का, अगर कोई सेट ए है, ए सेट कंटेन एन नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ ए सेट कंटेन एन नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज डिनोटेड बाय एन ए, तो हम किससे डिनोट कर देंगे उसको, एन ए से डिनोट कर देंगे। फाइनाइट सेट का पता चल गया बच्चों, जिसमें नंबर हम लिस्ट कर सकते हैं, लेबल्ड कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होगा, अदरवाइज वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट। थर्ड टाइप आता है इसी का सेट्स का, वो आता है हमारा बच्चों इक्वल सेट, कौन सा आता है हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट्स के अंदर क्या होता है जो देखिए, टू फाइनाइट सेट्स, ऐसे दो फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट्स आर इक्वल, दो फाइनाइट सेट क्या होंगे बच्चों आपके इक्वल होंगे, कब होंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक एक मान लो जी कोई सेट है, ए इज ए मेंबर ऑफ बी, तो ए का एवरी एलिमेंट होगा वो किसका मेंबर होना चाहिए, बी का मेंबर होना चाहिए, एंड आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए, आई हम कह सकते हैं देखिए ए इज सबसेट या इक्वल टू बी, देखिए ये सबसेट का साइन होता है, ये जो साइन है बच्चों वो किसका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सबसेट का साइन है, सबसेट, सबसेट का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, सबसेट का साइन है ये, या फिर हम कह सकते हैं कि बी है वो सबसेट होगा किसका, ए का या बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे उसके इक्वल होंगे, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल में ए आपके पास हो गया है 1 2 3 और बी आपके पास हो गया बच्चों 3 2 1, तो देखिए 1 2 3 है या 1 2 3 है, आगे पीछे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेम होने चाहिए, तो वो सेट कौन से हो जाएंगे हमारे बच्चों, इक्वल सेट हो जाएंगे, कौन से सेट हो जाएंगे बच्चों हमारे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अंदर बच्चों, अब हमारे जो एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 1.2 है उसके अंदर इसी टाइप के ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए 1.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1.2 एक्सरसाइज आज की, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, हमें बताना है कि नल सेट का कौन सा एग्जांपल है, तो हम जानते हैं क्या ये सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, अब ओड भी बोल दिया और डिविजिबल बाय 2 भी बोल दिया, लेकिन ओड होते हैं वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो ये एग्जांपल किसका हो गया बच्चों, नल सेट का हो गया, आप लिख सकते हो there are no natural number which is odd natural number which is divisible by 2, so it is a null set, it is a नल सेट, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, नल सेट का। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है बच्चों 2, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, ओके, तो हम क्या कहेंगे, तो देखिए इवन प्राइम नंबर, इवन भी बोल दिया और प्राइम भी बोल दिया, तो 2 एक ऐसा नंबर होता है, तो इसमें एक तो आ रहा है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, तो इस तरह से आपको चेक करना है, नेचुरल नंबर 5 से लेस लेना है और 7 से ग्रेटर लेना है, तो ऐसा तो कोई बीच में लाई नहीं करेगा, 5 से लेस और 7 से ग्रेटर कोई लाई नहीं करेगा बच्चों, तो ये भी नल सेट है, तो आपको चेक करके बताना भी कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड में आपको चेक करना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर आप जानते हो, अगर इसका सेट बनाना चाहो तो मंथ ऑफ जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ओके, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो सेट बना लिया आपने। ये सेट कौन सा हो गया बच्चों? फाइनाइट हो गया, क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आप लिख दोगे द सेट ऑफ मेंबर ऑफ ईयर इट इज अ फाइनाइट सेट एज देर आर 12 मेंबर। कितने होते हैं इसके अंदर? सेट के अंदर 12 मेंबर बनेंगे विच आज मंथ ऑफ ए ईयर। तो ये कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है आपको 1, 2, 3 ।। तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने मेंबर्स की वो बात कर रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पे, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। उसके बाद बच्चों थर्ड में 1 to 100 काउंट कर सकते हो, 100 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। देखिए सेट लिखने से पता चल रहा है। उसके बाद आता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर, 101, 102, 103 आगे तक चलता जाएगा। ये भी सेट क्या है हमारा? एक बच्चों इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद क्या बोला है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से लेस प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 99 से लेस प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। प्राइम नंबर बोल रहा है ना, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इनको काउंट कर सकते हो। 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा? 47 आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से आप कहाँ तक देखना है आपको, कहाँ तक? अप टू ना, लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपके पास? 97 आएगा। लास्ट कौन सा आ जाएगा? 90। इनके बीच में और भी बहुत सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? आप काउंट कर सकते हो इनको इजिली। तो ये भी सेट कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों? फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड में भी यही बोला है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, की जो फॉलोइंग सेट्स हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखिए एक्स एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करते हो, इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो इसके पैरेलल। तो बहुत सारी लाइन यू कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इट मीन्स दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। ये सेट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट। आप लिखोगे क्या? इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, काउंट ही हो जाएगा बच्चों। और काउंट हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो आज का जो ये थर्ड है इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट है। फोर्थ में बच्चों आपको इक्वल सेट बताना है। फोर्थ में क्या बताना है आपको? इक्वल सेट बताना है। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास ए बी सी और डी। और बी क्या है आपके पास? बी आपके पास डी सी बी और ए। तो देखिए क्या ये इक्वल सेट है? तो आप चेक कर ले, ए आ रहा है, यस, इसके अंदर भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ओके, सारे के सारे ओके हो गए हैं। इट मीन्स आप क्या कहोगे बच्चों? ए इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू बी। और जो मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट था 1, 8, 12, 16 और जो बी है वो है 8, 4, 16, 18। तो अब बताओ क्या इक्वल है? 1 भी नहीं है इसके अंदर, 8 है अकेला, और 12 भी नहीं है, 16 है। तो इसका मतलब ये सेट आपका इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में होने चाहिए और बी के हैं वो ए में होने चाहिए, तो वो सेट इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्या करना है बच्चों? इसमें चेक करके देखना है। और उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ में, इसमें भी आपको इक्वल सेट वाला ही है कि आपको बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है। ए 2, 3 है, जैसे कि आपके पास एक, मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे यहाँ बता देता हूँ। देखिए आपको फिफ्थ में ए आपके पास कितना है? 2, 3 है। और बी क्या है आपके पास? बी है सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है? इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो फैक्टर बनेंगे आपके पास, 6 के फैक्टर करने हैं, तो एक तो 3x बन जाएगा, एक 2x बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो एक्स एक्स प्लस 3 और 2 कॉमन एक्स प्लस 3, फैक्टर बनाने आपने सीखे हैं बच्चों। एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -3 आ रही है और -2 आ रही है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो गया -3 और एक हो गया -2। क्या इक्वल है? नहीं है, नहीं है, तो इस मिनट ये दिस सेट इज नॉट इक्वल। इसी तरह से आपको फिफ्थ में आपको इक्वल सेट का ही टॉपिक है। ओके, और लास्ट बच्चों आपका सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट क्या करने हैं इसके अंदर? सेलेक्ट करने हैं। तो इक्वल सेट कैसे सेलेक्ट करोगे इसके अंदर आपको बताना है। बिकॉज इक्वल सेट का ही टॉपिक हमारा जो इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज में इक्वल सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का ही टॉपिक है। तो इक्वल सेट कैसे सेलेक्ट करोगे इसमें? आपको पता है इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है सिक्स में 2, 4, 8, 12 दिया है। तो देख लीजिए 2, 4, 8, 12 किससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है।
इक्वल सेट इसमें एक तो बच्चों आपका आ जाएगा बी, बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, बी में और डी में इक्वल है, ई बी, ई और जी इक्वल है, ई और जी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, इसके अलावा कोई भी सेट इक्वल नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।